हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस में आई हुई न्यू वैकेंसीज के बारे में। ओके, तो एक तो हमारा जो केवीएस है उसमें दो तरीके की आपकी वैकेंसी निकलती है। एक निकलती है आपकी एग्जाम बेस्ड, जो कि परमानेंट आपकी वैकेंसी होती है, और ये हर ईयर आपका संविदा बेस पर कुछ वैकेंसी निकलती है। इन वैकेंसीज में क्या होता है, आपका नो एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम होता नहीं है कोई, बस आपका एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। और इसके लिए आपकी जो सैलरी जो रहती है वो 26,650 रुपये पर मंथ आपका रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हर केंद्रीय विद्यालय में आते रहते हैं, और आपके शहर में जो केंद्रीय विद्यालय होंगे उनमें भी आते रहते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो नोटिफिकेशन आया है आपका ये भोपाल के केंद्रीय विद्यालय बढ़ के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है और इसमें लिखा क्या है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल एवं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल प्रथम एवं द्वितीय पाली में शैक्षणिक सत्र 22-23 हेतु अंशकालीन अनुबंधन के आधार पर विशिष्ट शिक्षक की चयन सूची तैयार करने हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा। मतलब इसमें लिखा है कि भोपाल के केंद्रीय विद्यालय 1 और केंद्रीय विद्यालय 3 में अगला सेशन होगा 2022-23 के लिए अंशकालीन, मतलब संविदा बेस पर वैकेंसीज आती हैं। स्पेशल टीचर, मतलब जो टीजीटी वाले होते हैं ना, जिनको 6 से लेकर 10 तक का देखना होता है, उसके लिए वैकेंसी आई हुई है ना। तो उसके लिए इंटरव्यू रखा गया है, क्योंकि इस टाइप के में आपका एग्जाम नहीं होता है, लेकिन है ना, तो इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और बेसिकली पूरी आपको उसी तरीके की सुविधाएं आपको दी जाती है जो कि एक गवर्नमेंट टीचर को मिलती है ना। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायांकित एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा। मतलब आपको उधर जो इंटरव्यू के लिए लेकर जाना होता है वो आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट और उनकी 4 से 5 आपको डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लेकर जाना होता है, और अपना फोटो जो भी आपका है ना। उक्त तो पद हेतु पंजीयन का साक्षात्कार दिन, अब इसके लिए आपका दिनांक क्या रहता है, मतलब क्या होता है इसमें, आपका पहले एक साक्षात्कार दिन और पंजीयन करवाना पड़ता है आपको, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये होगा कब, आपका इंटरव्यू कब है, 28 तारीख को, मतलब आने वाली 28 तारीख, मतलब 2-3 दिन के बाद, आई मीन मंडे को है ना, मंडे को आपका इसका इंटरव्यू है ना। और ऐसा ये सिर्फ भोपाल के लिए है, लेकिन आपके शहर में भी केंद्रीय विद्यालय होंगे तो सेम हर जगह रहता है ये, लेकिन ओनली भोपाल के लिए है ना। यदि आपको भोपाल आकर भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं। ओके, और केंद्रीय क्रमांक 1 भोपाल के परिसर में निम्न सारणी अनुसार होगा। जैसे अब देखिए पदनाम क्या है, स्पेशल टीचर है ना, और पंजीयन का समय रहेगा 9 से 10 बजे तक, इंटरव्यू का समय रहेगा 10 से 12 है ना। अच्छा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित जो भी इसका होता होगा ना। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आपका ग्रेजुएशन हो गया हो, मतलब आपने बीएससी या ग्रेजुएशन वगैरह जो भी कुछ किया हो, और प्लस आपका बीएड हो गया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की वैकेंसी उसमें निकलती रहती है, सेम उसी तरीके का प्रोसेसर आपका रहता है, बहुत अच्छी आपकी जॉब रहती है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, बहुत प्रॉफिटेबल आपका रहता है ना। तो एक क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की पर रहते हैं, मतलब आपका मिनिमम 1 ईयर का तक तो आपका टीचिंग का उसमें रहता ही है, उसके बाद यदि उनका मन है तो वो आपका रिक्रूट वो आगे भी आप कर सकते हैं ना। तो उस तरीके से ये वैकेंसी निकलती रहती है, बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं, इनमें कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो इस पर डालते रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा है ना। और यदि इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।